नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और बड़ी खबर जीरे पर, जहां पर नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखाई दिए हैं। जीरे में रफ्तार वापस आते हुए दिखाई दी है, दो तीन सेशन की दर में उसके बाद तेजी। रिकॉर्ड स्तर पर जीरे का भाव पहुंच चुका है 58,000 के ऊपर। फिलहाल एनसीडीएक्स पर कर रहा है कारोबार, क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे। क्योंकि 58,570 तक हमने वायदा में भी जीरे का भाव आते हुए देखा है और 7 दिन हमने थोड़ी सी नरमी देखी, लेकिन उसके बाद वापस प्राइसेस तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्यों ये तेजी आते हुए दिखाई दी है, क्या फैक्टर्स है यहां से और कहां जीरा जाते हुए देख रहे हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि सिर्फ 3 दिनों में हमने 9% तक की तेजी जीरे के भाव में आते हुए दिखाई दी है। और अगर हम इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक तुलना करें तो 85% जीरे के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इसी पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ किशोर शाह मौजूद है मीट ट्रेडर से। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, ये जो तेजी बनी है इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो या फिर सप्लाई जो रेस्ट्रेन हुई है उसकी वजह से प्राइसेस हमने तेजी की तरफ जाते हुए देखे हैं, लेकिन क्या यही फैक्टर्स है जो यहां से आगे भी जीरे को लेकर जा रहे हैं? चलिए किशोर जी से बात करेंगे। अजय केडिया भी हमारे साथ है, रविंद्र राव भी हैं। अजय आप बताइए, इनफैक्ट अजय हम कल बातचीत कर ही रहे थे पूरे स्पाइसेस के पैक की, और जीरा मतलब जहां लग रहा था कि शायद इतना चल चुका है अब थोड़ा सा ठहरना चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा है। पिछले 3 दिनों का सेशन जैसा रहा है जीरे का, लग रहा है कि ये तेजी शायद बरकरार रहेगी। क्या क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को? डेफिनेटली दीपा जी, अगर हम बात करें जीरे की तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। हमने पहले भी देखा कि जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट है, बिकॉज पिछले साल से कैरी ओवर स्टॉक काफी कम था और जिस ढंग से मार्च में जो बरसाती हुई थी वो एक दर्शाने लग गया था कि शॉर्टेज रहेगा। उम्मीद थी कि सीरिया तुर्की से हम प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, बट वहां पे भी हमने वेदर डिस्टर्बेंस देखा जिसकी वजह से ये बड़ी तेजी आई थी। टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से प्राइसेस में थोड़ा पुलबैक जरूर था, जो 52,500 के सपोर्ट से उठता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग चाइना से बीच में डिमांड अच्छी थी, थोड़ा रुका भी था, बट इनऑल अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो भाव काफी टाइट रहेंगे। अंडर सेंटी स्विंग इंप्रूव सिग्निफिकेंटली नहीं होती, कोई बड़ा रिलीफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। टेक्निकली नो डाउट वापस हम देख रहे हैं कि जो 52,500-600 के सपोर्ट से उठा है, तो हमें लगता है 58,550 इमीडिएट टारगेट था, बट प्राइस अब इसको कैच करते हुए 61,500 से 62,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो कहीं पे भी शॉर्ट की सलाह नहीं है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि पूरे साल भर ये टाइटनेस जो है बैलेंस शीट में वो कंटिन्यू दिखती रहेगी। 60,000 की तैयारी कर ले क्या अजय जीरे पर? हेलो अजय, आपको ऑडियो मिल रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आपकी ऑडियो मिल रही है, शायद हमारी ऑडियो अजय तक नहीं जा रही है। अजय अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं जीरे पर पूछ रही थी, आपने कहा कि मंदी तो बिल्कुल नहीं करना है, तेजी ही करनी है, तो क्या 60,000 प्लस की तैयारी कर लें क्या जीरे पर? बिल्कुल, जो करंट फंडामेंटल है मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में खाली इंडिया ही सप्लाई करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि बीच बीच में बड़े विपशॉप आते रहेंगे, जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा प्राइजेस 58 का लेवल दिखाने के बाद 53 तक आ गया था, तो ऐसे विपशॉप आते हुए रहेंगे। बट 50,000 के ऊपर जब तक मेंटेन है, मुझे लगता है अगला जो टारगेट रहेगा 61,500 से 62,000 तक का रहेगा। फंडामेंटल बिल्कुल काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं आगे, सोइंग बढ़ेगी तो ही इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट फिर भी हमारे पास फसल आएगी वो मार्च में आएगी। तो मुझे लगता है टेम्पररी फेज बाय फेज जाना चाहिए, जो 61,500 से 62,000 तक का रेंज हमें लगता है जीरे के अंदर देखने मिल जाएगा जुलाई मंथ में। बिल्कुल, और कई सारे फैक्टर्स हैं इनफैक्ट जिसकी वजह से हमने ये तेजी बनती हुई दिखी है। एक तरफ हमने देखा राजस्थान, जो कि मेजर जीरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां पर अनसीजनल रेनफॉल की वजह से फसल इंपैक्ट हुई, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ जीरा को लेकर भी कंसर्न्स बने। इसीलिए हमने जो डिमांड है वो डोमेस्टिक ही नहीं एक्सपोर्ट मार्केट से भी काफी स्ट्रांग आते हुए देखिए, जिसकी वजह से प्राइसेस ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बातचीत करते हैं इनफैक्ट किशोर शाह से, वापस हमारे साथ रिकनेक्टेड है। किशोर जी, ये तेजी क्यों बन रही है, क्या एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन या फिर जो ओवरऑल यील्ड है वो कम है उसको लेकर चिंता है? क्योंकि ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो ऑलरेडी अपना असर डाल चुके हैं, फिर ये नई तेजी क्यों? मैडम नमस्कार। एक्चुअली मैडम, तेजी अभी जो तेजी आई है इसकी कोई डिमांड तो नहीं है। एक्सपोर्ट की डिमांड तो आपको बता दूं कि लास्ट एक महीने से बिल्कुल कम है, और डोमेस्टिक डिमांड थी जो पिछले वीक में अच्छी थी डिमांड थी,
अभी जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, फिर भी बाजार बढ़ रहा है वो एक समझ के बाहर है, क्योंकि ये बाजार एनसीडेक्स की वजह से बढ़ रहा है। अभी एनसीडेक्स में तेजी बताई जा रही है उसके हिसाब से थोड़ी डिमांड आई है, बाकी अरेवल जरूर कम है मार्केट के अंदर, अरेवल कम है इसके हिसाब से लोग थोड़ी बाइंग ज्यादा रख रहे हैं, बाकी इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की मैडम। तो फिर ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं? ये क्या सिर्फ स्पेकुलेटिव बाइंग है, या अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं है, डोमेस्टिक भी कोई सिचुएशन एक्सपोर्ट ठीक डिमांड तो नहीं इतनी है? बड़ी नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड लास्ट वीक में जरूर अच्छी थी, पर अभी तो डिमांड कमजोर ही है। 4 दिन से हम तो डोमेस्टिक का भी काम करते हैं और एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, इतनी कोई बड़ी ओके डिमांड नहीं है, लेकिन जरूर भाव जरूर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसके हिसाब से कि भाई इन फ्यूचर के अंदर एरेवल थोड़ी कम आ रही है, किसानों की एरेवल कम, क्योंकि बारिश की सीजन चालू है अभी, इसके हिसाब से एरेवल थोड़ी कम आ रही है, उसके हिसाब से ये भाव बढ़ रहे हैं अभी। बिल्कुल। लेकिन किशोर जी, फिर स्थिति क्या नजर आ रही है? जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट डिमांड या डोमेस्टिक डिमांड में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पिछले महीने से अगर अब तक की ट्रेंड देखें तो थोड़ी हल्की ही रही है। प्राइसेस जो बढ़े हैं वो लोअर यील्ड की एंटिसिपेशन में बढ़े हैं, तो क्या ये मान के चलें कि लोअर यील्ड की एंटिसिपेशन, जो कि फसल इंपैक्ट हुई है राजस्थान जैसे इलाकों में, या फिर जो क्वालिटी ऑफ जीरा को लेकर चिंता है, ये इसकी वजह से भाव और ऊपर जा सकते हैं क्या फिर यहां से? हाँ जी मैडम, एक्चुअली इस साल क्रॉप तो कम ही थी, उसकी मेन कारण वही है, क्रॉप कम थी उसकी वजह से भाव बढ़े हैं, और आने वाले समय के अंदर अगर अरेवल नहीं बढ़ती है, क्योंकि आगे फेस्टिवल का टाइम आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर अप टू दिवाली तक मतलब फेस्टिवल रहेगा, तो उसमें थोड़ी डिमांड तो आएगी, लोकल कंज्यूमर डिमांड आएगी, तो उस टाइम थोड़े भाव और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो बढ़ रही है, क्योंकि अभी तो डिमांड बिल्कुल कम है, फिर भी बाजार में तेजी है, ये फ्यूचर के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा इस भाव से मतलब तेजी हो जाए, 20-25 रुपए की तेजी और बढ़ जाए, लेकिन लंबी कोई डिमांड नहीं लगती, लंबी तेजी और हो जाए मैडम। अच्छा ये बताइए, ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं अभी? वो बल्क बाइंग कर रहे हैं या फिर वेट एंड वॉच मोड में है? क्या क्या बिल्कुल स्लो, स्ट्रैटेजी है अभी बिल्कुल फिलहाल स्लोली ट्रेडर्स की? स्लोली अभी ट्रेडर से वो जितना डिमांड उतना ही माल मंगवा रहे हैं, क्योंकि भाव बहुत ऊंचे हो गए, एकदम स्लो डिमांड है और बाइंग भी स्लो ही आ रही है अभी। अच्छा, ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर क्या आकलन है, कितना रह सकता है आंकड़ा? फ्रेश अराइवल्स कब से एक्सपेक्ट करें, और कैरी ओवर स्टॉक्स की सिचुएशन कैसी है? अभी जैसे ये अरेवल आ रही है, अभी देखो मंडियों के अंदर या ऊंझा मंडी के अंदर 4 से 5 हजार की अरेवल रोज हो रही है, और थोड़ी बहुत अंदर स्टॉक इसकी भी बिकवा ली है अभी, तो इसके हिसाब से आने वाले समय में ये जगह, तो अभी जैसे अगस्त और सितंबर के अंदर थोड़ी किसानों की और जो व्यापारी जो स्टॉक करते हैं उनकी बिकवाली आएगी आगे जाके, उस टाइम में डिमांड देखनी पड़ेगी, उसमें डिमांड कैसी रहती है, डिमांड उस टाइम में कमजोर रहती है तो फिर बाजार वापस थोड़ा नीचे आ सकते हैं, और डिमांड कंटिन्यू रही तो और मार्केट ऊपर जा सकते हैं। अच्छा किशोर जी, आखिरी सवाल वापस पूछूंगी आपसे। ट्रेडर्स के बीच में बातचीत तो होती होगी जरूर भाव को लेके, कि जा कहाँ रहा है भाव, यहां से कहाँ जाएगा, क्या लग रहा है फिर अब इन स्तरों से? देखो काफी ट्रेडर से बात होती है, हमारे जो बाहर के व्यापारी उनसे भी बात करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि भाई जीरा मतलब बहुत नया हाई हो जाए, कोई बोलता है 700 हो जाएगा, कोई बोले 800 हो जाएगा, कोई बोले 1000 भी हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें तो आती रहती है, कि ये सब डिपेंड रहता है मार्केट के में अराइवल और डिमांड, मेन तो रहता है डिमांड और सप्लाई का गैप, वो यदि गैप बढ़ता है तो नए भाव बनने रहते हैं, यदि मतलब डिमांड और सप्लाई कमजोर रहती है, यदि सप्लाई कमजोर रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है तो नए भाव बनेंगे, यदि सप्लाई आएगी और डिमांड कमजोर रहेगी तो मांग नीचे आ जाएगी, डिपेंड करेगा गैप का आगे जाके। जी चलिए, शुक्रिया किशोर जी। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करेगा, हालांकि आशंका यही है क्योंकि 70% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान से होता है, बाकी गुजरात से होता है, दोनों ही इलाकों से अनसीजनल रेन, और साथ ही मौजूदा बारिश के हालात की वजह से जो क्वालिटी ऑफ जीरा है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, लोअर यील्ड्स को लेकर एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिसके तरफ से भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन जैसे अजय भी कह रहे थे कि मंदी तो नहीं करनी है, भाव यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर्स हों वो ही स्ट्रैटेजी बनाए जीरे पर इन लेवल से। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी का जो किचन का बिल है वो जरूर बिगड़ चुका है, क्योंकि सिर्फ जीरा ही नहीं, अगर आप बाकी फूड कमोडिटीज देखेंगे, फिर चाहे वो चिलीज हो, जिंजर हो, टोमेटो हो, टर्मरिक हो, सभी के प्राइसेस हमने काफी सर्ज होते हुए देखे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे फोकस, साथ ही साथ कच्चे तेल पर भी बातचीत करेंगे। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, उनके व्यू लेंगे कच्चे तेल के प्राइसेस पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, और अब बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे, और कच्चा तेल अब 2 हफ्तों की ऊंचाई पर आ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि कच्चे तेल को लेकर यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है? हमने यूएस में जो क्रूड इन्वेंट्रीज हैं वो घटते हुए देखे, जिसके कारण प्राइसेस ऊपर आए हैं,
लेकिन एक चीज जरूर है कि अब जो बेस है कच्चे तेल का वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर शिफ्ट हो गया है। क्या व्यू है आपका इन लेवल से और क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? इन्वेंट्रीज का तो इशू है ही है, एक बहुत बड़ा एक कारण है जिससे कीमतें आप देख रही हैं कि थोड़ी उत्तर की दिशा में जाने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले रशिया और सऊदी अरेबिया दो अलग दिशा में जा रहे थे, दोनों को ये था कि मार्केट शेयर जो है उनका वो नहीं घटना चाहिए, और रूस जो है वो कह रहा था प्रोडक्शन कट करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, सहमति नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब बातचीत हुई है रूस के उप प्रधानमंत्री जो ऊर्जा के मसले भी देखते हैं और सऊदी अरब के तेल मंत्री, तो अब ये सहमति बनी है कि तेल की कीमतें थोड़ा बहुत नीचे चली गई हैं, इनको ऊपर लेके जाना है। सऊदी अरब जो है $80 पर ले जाना चाहता है, रूस का कहना है जहां अभी है वहां हर हालत में टिकी रहनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो एक सहमति है कि तेल को अब सस्ता नहीं होने देंगे, तो रूस ने जो है प्रोडक्शन कट की बात करी है और भी कर सकता है, ये भी उसने संदेश दिया है। और सऊदी अरब तो इस बात पे बिल्कुल वो लगा हुआ है कि तेल की कीमत और नहीं घटने देंगे और $80 पे लेके जाना है, अगर नहीं जाती तो कम से कम घटने नहीं देंगे। तो ये दोनों बड़े जो उत्पादक देश हैं और साथ में सऊदी अरब ओपेक को भी रिप्रेजेंट करता है और रूस ओपेक प्लस को रिप्रेजेंट करता है, उसको लेकर के बाजार में ये है। हालांकि अगर आप डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल देखते हैं तो कोई कारण नहीं है कि कीमत बढ़े, क्योंकि जो डिमांड के अंदर कोई ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है और सप्लाई में कोई किसी तरह की बड़ी कंस्ट्रेंट या कंसर्न्स नहीं है। उसके बावजूद चूंकि ये बड़े उत्पादक जो है इनमें सहमति बढ़ रही है, दूसरी तरफ चीन की तरफ से कोई बहुत बड़ी डिमांड जैसे को उम्मीद थी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या कोई वहां पैकेज लाने की बात रिलीफ पैकेज वो भी चाइना में नहीं आया, तो बाजार में इस तरह के वो चल रहे हैं कि अब ये इनकी कोशिश है कि तेल जो है वो किसी भी हालत में अब जो कीमत है मतलब $75 $76 इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब सारी जो मशक्कत है जो मेहनत है इन दो बड़े देशों की और अन्य निर्यातकों की वो यही है। तो यहां से फिर अब आपको रेंज क्या देख रहे हैं आप कच्चे तेल की, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शायद भले ही कच्चे तेल यहां से नीचे ना जाए लेकिन अपसाइड भी शायद लिमिटेड रहेगी, क्योंकि चाइना को लेकर जैसे आपने भी कहा भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक बहुत वाइब्रेंट नहीं हो गया है या फिर डिमांड रिकवरी एकदम से आ जाएगी इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ऐसे में रेंज आप क्या देखते हैं? अच्छा प्रश्न है। मेरे हिसाब से जो रेंज है वो $70 से $80 के बीच में रहेगी। ये दोनों देश पूरी कोशिश करेंगे, ओपेक कोशिश करेगी, लेकिन अंततः डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर होता है उसको आप बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अमरीका जो सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, वो भी अब इलेक्शन मोड में चला जाएगा, वह चुनाव है अगले साल राष्ट्रपति के। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वहां पर भी अब भारत भी चुनाव के दौर में जा रहा है, और बड़े आयातक भारत जैसे बड़े कंज्यूमर अमेरिका जैसे ये नहीं चाहेंगे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि उससे उनका वोटर या आम उपभोक्ता पर असर पड़ता है। तो भारत की भी ये कोशिश है कि रूस से खरीदो कहीं से करो, लेकिन सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट नहीं आनी चाहिए जिससे तेल की कीमतें नीचे रहे। अमेरिका का जो ओपेक के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव रहता है और अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होता है ऑयल का उसमें अमेरिका का काफी प्रभाव होता है, तो मुझे ये भी एक कारण होंगे जिससे 80 से ऊपर सस्टेन में नहीं जाएगी। हो सकता है 82 हो जाए 84 हो जाए, लेकिन औसत जो है मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो $70 और $80 के बीच में दिखेगा। अगर यूक्रेन की जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो जाए वो एक अलग फैक्टर होगा। रविंद्र आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर? जैसे तनेजा जी ने भी कहा कि बेस थोड़ा भले ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, प्राइसेस भले ही नीचे ना जाए लेकिन एक रेंज में ही रहेंगे, बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पर फिलहाल तो नहीं दिख रही है। क्या व्यू थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और इमीडिएट स्ट्रेटजी के हिसाब से? बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से क्रूड में दोनों ही फैक्टर्स है बुलिश एज वेल एज बेरिश। जैसे तनेजा ने बताया कि ओपेक और ओपेक प्लस का जो स्टेटमेंट्स है आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस, और दूसरी तरफ से जो रिसेशनरी कंसर्न्स है यूएस से क्योंकि रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है। हालांकि सितंबर की रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी एकदम ज्यादा नहीं है, बट जुलाई में तो देयर इज अ क्लियर चांस कि शायद रेट बढ़े, बट लेबर डेटा ड्यू है तो आई थिंक वो एक बार देखा जाएगा। बट रिसेशनरी कंसर्न की वजह से आई थिंक जो गेन्स है इसमें वो कैप्ड रहेगा, और हम भी लगातार WTI का जो रेंज है वो $74 से लेके $67 का दे रहे हैं, $67 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइस, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 72 से 74 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक ये $74 के ऊपर सस्टेन नहीं करता आई थिंक ये रेंज कंटिन्यू रहेगा बिकॉज देर आर बोथ बुलिश एंड बेरिश फैक्टर्स, तो मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। और 6,000-6,050 तक एक बार पॉसिबल है प्राइसेस जा सकता है, बट वहां से फिर से एक बार हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक MCX में
5,550 से लेके ऊपर का लेवल 6,100-6,150 का रेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल पर। लेकिन फिलहाल प्राइसेस तो ऊपर आए हैं, 5,900 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी स्ट्रेटजीज पर भी फोकस कर लेते हैं। एग्री कमोडिटीज पर जाएं, उससे पहले क्विकली रविंद्र, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी तरफ से बुलियंस या फिर बेस मेटल पैक से? आई थिंक बुलियन में सिल्वर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सिल्वर ने काफी लोअर लेवल्स पे काफी कंसोलिडेट किया है, प्लस इसमें एक हार्मोनिक पैटर्न बना है टेक्निकली, प्लस एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, एंड फंडामेंटली आई थिंक सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रहा है क्योंकि मेक्सिको से चांसेस है कि रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट घटे, पेरू से आउटपुट घट रहा है, तो आई थिंक सप्लाई डेफिसिट और जो टेक्निकल पैटर्न है आई थिंक दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं सिल्वर के प्राइसेस को। हमें लगता है कि 72,000 वुड बी इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकल जाते तो फिर से हम 74,000 तक के लेवल देख सकते हैं। और बेस मेटल्स में आई थिंक आई एम कंटिन्यूइंग विद जिंक। जिंक में काफी टाइम से मैं बुलिश हूँ, वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग है, हमें लगता है कि 230-240 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से जिंक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इन बेस मेटल्स में। ओके, चलिए तो ये बेस मेटल पर राय रही, लेकिन अजय अगर हम एग्री कमोडिटी बास्केट की बात करें तो जीरे की तो बात हो गई, बाकी पैक को देखें तो धनिया में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और बाकी स्पाइसेस लाल निशान में हैं। कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी एग्री कमोडिटी बास्केट से? बिल्कुल दीपाली जी, अगर पूरे एग्री पैक की बात करें तो जीरे में जिस ढंग से रैली आई है इसका एक सपोर्ट हम धनिये में भी आते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन हायर कैरी ओवर होने की वजह से अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे, बट मुझे लगता है कि 6,750 में भी लिया जाए तो 6,950 तक का टारगेट रहेगा, 6,600 की स्टॉप लॉस से लेके चलिए। वहीं कैस्टर के अंदर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि प्राइस 6,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा पुलबैक जरूर मिल सकता है, तो 5,900 के करीब लेके चलिए, 5,850 के स्टॉप लॉस है 6,000 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट अगर हम बात करें गवार की, तो गवार में बार बार में प्राइसेस में हाई लेवल से दबाव जरूर है, बट टेक्निकली कोई ज्यादा खराब नहीं है, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, तो गवार में भी मुझे लगता है 5,450 पे लिया जा सकता है, 5,380 के स्टॉप लॉस से 5,600 तक के टारगेट अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ग्वार पैक पर। शुक्रिया रविंद्र और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।